हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स। तो काफ़ी फेमस फिलॉसफर जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल और भी काफ़ी सारे फिलॉसफर्स हैं जिन्होंने जस्टिस के बारे में बात की है, बट आज हमारा जो फोकस रहेगा वो सारा रहेगा जॉन रॉल्स पे। बट इससे पहले हम जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग जस्टिस को देखें तो हम जनरली देख लेते हैं कि जस्टिस का मतलब एक्चुअली क्या है। सो जो द वर्ड जस्टिस है, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड जस, विच मीन्स बॉन्ड आर टाई। क्लियर, जस का मतलब क्या होता है? लैटिन वर्ड से आ रहा है जस्टिस वर्ड जस, जे यू एस। तो इसका मतलब क्या होता है? बॉन्ड आर टाई मतलब किसी चीज को बांधना या जोड़ के रखना। तो दिस मीन्स दैट जस्टिस इज ए सिस्टम इन विच मैन आर टाइड इन द क्लोज रिलेशनशिप। सो मतलब बेसिकली जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि एक टेक्निक है, एक वे है, एक सिस्टम है जिसे हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो सोशल बीइंग्स हैं, उनको हम क्लोज रिलेशनशिप में रखते हैं। सो ए मैन लिविंग इन सोसाइटी इज अटैच टू वन अनदर। नेचुरली जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम किसी ना किसी तरह से एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। सो दिस रिलेशनशिप हैज़ फ्यू राइट्स एंड ड्यूटीज अटैच टू इट। तो नेचुरली जब आप सोसाइटी में रहते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है? कुछ राइट्स होती हैं और कुछ ड्यूटीज होती हैं। सो व्हेन ए मैन व्हाइल एंजॉयिंग हिज राइट्स आल्सो फुलफिल हिज ड्यूटीज एंड बिहेव इन एन एप्रोप्रिएट मैनर्स विद अदर्स देन ही इज सेड टू बी डूइंग जस्टिस। तो क्या बोल रहे हैं ये कि जब इंसान अपने राइट्स को एंजॉय करे और साथ में जो ड्यूटीज हैं उनको भी परफॉर्म करे एक एप्रोप्रिएट मैनर में, मतलब एक डिजायर्ड मैनर में, जैसा सोसाइटी चाहती है आप वैसा ही करें, जैसा लीगल सिस्टम चाहता है, जैसे गवर्निंग बॉडी चाहती हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं, उन्होंने जो नॉर्म्स प्रिंसिपल सेट किए हैं जिसे हम ड्यूटीज कह रहे हैं, सो आप उनको वैसे ही अगर फॉलो करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जस्टिस कर रहे हैं, आप एक जस्ट ह्यूमन बीइंग हैं। क्लियर, तो ये बेसिक सा मीनिंग है जस्टिस का। सो सलमोंड हैं एक फिलोसोफर, इनके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है? अकॉर्डिंग टू सलमोंड जस्टिस मीन प्रोवाइडिंग एवरीवन हिज शेयर, मतलब जितना जो कोई डिजर्व करता है उसको उसका वो शेयर मिलना चाहिए। जब ऐसा हो दैट मीन जस्टिस। अकॉर्डिंग टू सलमोंड जस्टिस मीन्स प्रोवाइड एवरीवन हिज शेयर। अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो क्या कहते हैं? जस्टिस इज इक्वालिटी। सो इन सिंपल वर्ड्स द मीनिंग ऑफ जस्टिस इज टू डिस्चार्ज वन ड्यूटीज हॉनेस्टली एंड नॉट टू इंटरफेयर इन अदर एक्शंस। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम अपनी ड्यूटीज एकदम परफेक्ट वे में परफॉर्म करें और दूसरों के एक्शंस में कोई इंटरफेयर ना करें तो आपको क्या बोला जाएगा? जस्ट ह्यूमन बींग। जहाँ वो जो सिचुएशन होगी उसे क्या बोला जाएगा? जस्टिस। तो मतलब अगर हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस की ही बात करें तो वहाँ पर प्लेटो ने दो मेन पॉइंट रखे थे थ्योरी ऑफ जस्टिस में। जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि जस्टिस इज हार्मोनी एंड द सेकंड पॉइंट इज जस्टिस इज डूइंग वन ओन ड्यूटी। जस्टिस इज डूइंग वन ओन ड्यूटी, मतलब दो पॉइंट क्या थे? फर्स्ट पॉइंट इज जस्टिस इज हार्मोनी। अब हार्मोनी क्या होता है? जहां बैलेंस्ड हो। और सेकंड पॉइंट क्या था? जस्टिस इज डूइंग वन ओन ड्यूटी। तो जब आप अपनी ड्यूटी एक परफेक्ट वे में परफॉर्म कर रहे हैं उसे क्या बोला जाएगा? जस्टिस। अब प्लेटो ने क्या एक्चुअली किया था? जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जो आइडियल स्टेट है, वहाँ पे उसने जो ह्यूमन सोल है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था, रीजन, स्पिरिट एंड एपिटाइट्स। सोसाइटी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था, रूलर, बेरियन एंड वर्कर्स, और चार कॉर्डिनल वर्चूज भी थे जो इनको वो फॉलो कर रहे थे, विजडम, कॉरेज, सेल्फ डिसिप्लिन एंड द लास्ट वन इज जस्टिस। तो जब सब में बैलेंस होगा, सब में हारमोनी होगी, तब जाके आप एक जस्ट इंडिविजुअल या एक जस्ट सोसाइटी पॉसिबल है। तो इस तरह से प्लेटो बात करते हैं। क्लियर, तो अगर हम बेसिक जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जस्टिस के वो देखें तो जस्टिस का मेन मतलब क्या है, मेन मोटो क्या है, मेन थीम क्या है? एक तो ह्यूमन वेलफेयर, सो एथिकल कंसेप्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि जब भी आप जस्टिस का जो अपोजिट है वो क्या होता है? इनजस्टिस। अब जस्ट और अनजस्ट में डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई चीज़ एथिकली सही है तो उसे जस्ट बोला जाएगा, कोई चीज़ एथिकली सही नहीं है उसे अनजस्ट बोला जाएगा। जैसे गुड और राइट, गुड और बैड, राइट एंड रॉन्ग, तो ये क्या हैं? सारे एथिकल कंसेप्ट हैं। और ये सब कब मतलब एग्जिस्टेंस में आते हैं? जब हम जस्टिस को डीपली देखने की कोशिश करते हैं। सो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज,
कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहा है तो भी प्रॉब्लम ऑफ इनजस्टिस आएगी। टू प्रोवाइड हिज एवरी वन हिज रीजनेबल शेयर्स, है ना, जितना कोई डिजर्व करता है इतना उसको प्रोवाइड करना, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड है, सोशल फील्ड है, इकोनॉमिक फील्ड है, मतलब जो भी डायमेंशन है। अगर कोई खेत में काम कर रहा है, कोई किसान है, उसको उसका शेयर मिलना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई टीचर है, उसको उसका शेयर मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसे क्या बोला जाएगा, केस ऑफ इनजस्टिस होता है ना। मतलब टीचर पढ़ा रहा है काफ़ी देर से, उसको उसकी पे नहीं मिल रही है, डॉक्टर काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में डे नाइट और उनको उनकी पे नहीं मिल रही है, तो क्या हो रहा है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। इसलिए अगर आप जितना काम कर रहे हो, अगर जितना आप डिजर्व करते हो, अगर आपको उतना नहीं मिलता है, एंड दैट इज टर्म्ड एज अ केस ऑफ इनजस्टिस। क्लियर? सो जस्टिस इज रिलेटेड टू वैल्यूज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। सो जितने भी डायमेंशन हैं सोसाइटी, उनको सब को किसी ना किसी तरह से जस्टिस से जोड़ के ही देखा जाता है। क्लियर? अगर एथिकली सही होंगे तो वो जस्ट माना जाएगा, अगर एथिकली सही नहीं है तो इनजस्टिस माना जाएगा। तो मतलब किसी भी टाइप का कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे इनजस्टिस बोला जाएगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज अ केस ऑफ जस्टिस। जो उसके काफ़ी सारे डायमेंशन है, जैसे लीगल डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन है। जैसे हम लीगल डायमेंशन की ही बात करें तो मतलब अब जस्टिस और जो लॉ है, इट इज़ वेरी क्लोज टू वन अनदर्स, है ना। जैसे लीगल डायमेंशन में क्या है, जस्ट लॉज होने चाहिए, यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, दैट इज लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। अब पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस की बात करें हम, अगर पॉलिटिकल राइट्स जिसे हम कहेंगे, राइट टू वोट होना चाहिए, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस होना चाहिए, राइट टू क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट होना चाहिए, राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो इस तरह के जो राइट्स हैं ये भी क्या डिलीवर करते हैं, जस्टिस। क्लियर? दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस की बात करें अगर हम, सबको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सोसाइटी में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रिएट, लैंग्वेज, रिलीजन, रेस, है ना, एंड ऑल टाइप ऑफ इनइक्वालिटी शुड बी रिमूव्ड, एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट्स, किसी को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो कुछ लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो दैट इज द सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। अगर हम इकोनॉमिक डायमेंशंस की बात करें तो मतलब जो लिवलीहुड है, ये सेंट्रल पॉइंट रहेगा जहाँ पे, जैसे जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, उनका फुलफिल होना, राइट टू वर्क फॉर एवरीबॉडी, है ना, तो ये सब किस में आएंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस। सो बेसिकली जस्टिस क्या है, जस्टिस इज कंसर्न्ड विद ह्यूमन वेलफेयर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ रीजनेबल इंटरेस्ट, है ना। इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली व्हेन ईच सिटीजन विल परफॉर्म हिज ड्यूटीज इन राइट पर्सपेक्टिव्स। ए जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी वेयर एवरी इंडिविजुअल गेट लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस। क्लियर? सो फॉर एवरी जस्ट सोसाइटी देयर शुड बी प्रॉपर कॉम्बिनेशन अमंग इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। देयर इज ए क्लोज म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग देम। क्लियर? सो बेसिकली जब हम जस्टिस होगा, वहां इक्वालिटी भी होगी, वहां लिबर्टी भी होगी। क्लियर? क्या बोल रहे हैं हम, जहां जस्टिस का मतलब क्या है, आपको इक्वालिटी भी मिल रही है, आपको लिबर्टी भी मिल रही है, तो मतलब जो तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं, ये इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, दे आर इंटरकनेक्टेड। तो जब आप जस्टिस की बात करते हैं, वहां इक्वालिटी की बात भी होगी, वहां लिबर्टी की बात भी होगी। मतलब कुछ लोगों को फ्रीडम दे दी गई और कुछ को फ्रीडम नहीं दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ केस ऑफ इनजस्टिस। अगर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है किसी भी डायमेंशन में, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, तो भी क्या होगा, क्या माना जाएगा, केस ऑफ इनजस्टिस। बेसिकली अगर हम जस्टिस को देखें तो मतलब जस्टिस किसके लिए है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इनका जो सेंट्रल पॉइंट है। तो चलिए अब हम फोकस करते हैं जॉन रॉल्स पे। सो जॉन रॉल्स क्या है, बेसिकली एक अमेरिकन मॉरल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, और इनका बर्थ हुआ था 1921 में यूनाइटेड स्टेट में। क्लियर? और इनकी डेथ हुई है 2002 में, वो भी यूनाइटेड स्टेट में हुई है। एंड ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमैनुअल कांट, थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक। क्लियर? और इनका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था वो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो लेट्स बिगिन। सो अगर हम जॉन रॉल्स की बात करें, मतलब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ये इतने पॉपुलर थे कि 1780s में इनको व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाता था डिनर के लिए,
जो उस टाइम के करंट प्रेसिडेंट थे उस टाइम पीरियड के, वो इनको इनवाइट करते थे डिनर के लिए, ताकि वो जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो इनसे डिस्कस कर सकें। तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है इस फील्ड में इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। तो चलिए देखिए इनके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है। जो रॉल्स की बुक है वो उनका टाइटल क्या है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। वो ये जो बुक है ये पब्लिश हुई थी 1972 में, और इसने क्या किया था, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी की जो मतलब बैकग्राउंड है उसको एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और जो फंडामेंटल क्वेश्चन, जो प्राइमरी क्वेश्चंस रॉल्स ने आंसर करने की कोशिश की है, जहाँ जिसपे वो अपनी बुक को प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस उसको रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये था कि व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वुड यू चूज टू लिव इन इफ यू डिड नॉट नो यू द पोजिशन यू वुड ऑक्यूपाई विद इन इट। कि अगर आपको सोसाइटी में अपनी पोजिशन क्लियर नहीं है तो आप किस टाइप की सोसाइटी चूज करेंगे, किस टाइप की सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे, अगर आपको अपना स्टेटस ही क्लियर नहीं है सोसाइटी में। क्लियर, अगर आपको सोसाइटी में अपनी पोजीशन क्लियर नहीं है। सो जॉन रॉल इन हिज बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रोवाइड द प्रिंसिपल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए फेयर एंड जस्ट सोसाइटी बाय इमेजिनिंग ए रीजनेबल पर्सन रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। सो वो दो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे, एक था लिबर्टी प्रिंसिपल्स एंड अनदर वन इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जिसके बेसिस पे वो एक थ्योरी ऑफ जस्टिस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। क्लियर, सो इट्स मोस्ट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट इज इट्स यूज ऑफ द नोशन ऑफ द ओरिजिनल पोजिशन टू अराइव एट कंक्लूजन अबाउट फेयरनेस एंड जस्टिस एंड हाउ वी शुड अचीव दैम इन अवर सोशल इंस्टीट्यूशन। सो बेसिकली रॉल्स का मेन कंसेप्ट क्या है, मैंने हम जैसे बात कर रहे हैं कि रॉल्स क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आपको सोसाइटी में आपको अपनी पोजिशन क्लियर नहीं होगी तो आप किस टाइप की सोसाइटी चूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रॉल्स क्या करते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस थॉट एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, ओरिजिनल पोजीशंस। अब थॉट एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो रियलिटी में शायद पॉसिबल ना हो। थॉट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस मतलब एक इमेजिनेशन है फिलोसोफर की, रियलिटी में वो शायद पॉसिबल ना हो, तो वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जिसे वो नाम देता है ओरिजिनल पोजीशंस। हेल्प से वो एक कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश करता है कि जो जस्टिस है, जो फेयरनेस है, उसको सोसाइटी में जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वहां पे कैसे अचीव किया जा सकता है। तो मतलब बेसिकली अगर हम रॉल्स की बात करें तो रॉल क्या चाहता है कि सोसाइटी एक जस्ट सोसाइटी जहां जस्ट इंडिविजुअल तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक जो इंस्टीट्यूशन हैं वो जस्टिस बेस्ड ना हो, मतलब जब तक पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, रिलीजन, फैमिली, मैरे, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जब तक वो जस्ट नहीं होंगे, वो जस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं होंगे, तब तक आप सोसाइटी में जस्टिस अचीव नहीं कर सकते। सो बेसिकली जो जस्टिस है उसे तभी अचीव किया जा सकता है जब सबसे पहले हम उन्हें कहाँ अचीव करें, सोशल इंस्टीट्यूशंस में। क्लियर, तो चलिए हम शुरू करते हैं ओरिजिनल पोजिशन से। ओरिजिनल पोजिशन क्या है, बेसिकली एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। सो बेसिकली ओरिजिनल पोजिशन में रोल्स करते क्या हैं, रॉल्स कहते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि आपको प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स चूज करने हैं जिससे जो सोसाइटी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेस्ट वे में गवर्न किया जा सके, तो आप कैसे नॉर्म्स, कैसे रूल्स चूज करेंगे। क्लियर, तो होता क्या है, अगर एक डॉक्टर रूल बनाता है तो वो किसके फेवर में बनाएगा, सबसे पहले डॉक्टर के कि पेशेंट के, डॉक्टर के। अगर पेशेंट्स को रूल बनाने के लिए बोला जाए तो पेशेंट किसके फेवर में रूल बनाएगा, डॉक्टर के कि पेशेंट्स के, वो पेशेंट्स के। अगर एक टीचर को रूल बनाने के लिए बोला जाएगा तो वो सबसे पहले किसके फेवर में रूल बनाएगा, टीचर्स के लिए, मतलब उसका प्राइमरी फोकस टीचर रहेगा, सेकेंडरी फोकस स्टूडेंट्स होंगे। अगर स्टूडेंट्स को रूल बनाने के लिए बोला जाए तो स्टूडेंट किस पे फोकस करेंगे, स्टूडेंट्स पे, वो टीचर्स उनका प्राइमरी फोकस नहीं रहेगा। तो इसलिए मतलब अगर मेल को रूल बनाने के लिए बोला जाए तो वो मेल पे पहले फोकस करेगा, फीमेल पे नहीं। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। इसलिए रॉल्स क्या कर रहे हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसे वो नाम देते हैं ओरिजिनल पोजीशंस। और इसमें वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि जो रूल मेकर है, जो लॉ मेकर है, जो प्रिंसिपल मेकर है, जो नॉर्म सेट करने वाला है, कि
उसको कुछ देर के लिए उसके रिकॉर्डिंग जितने भी फैक्ट हैं वो सब भूल जाने हैं कि मैं मुझे अपना रिलीजन भूल जाना है, मुझे अपनी कास्ट भूल जानी है, मुझे अपना जेंडर भूल जाना है, मुझे अपना स्टेटस भूल जाना है, मुझे अपना प्रोफेशन भूल जाना है, मुझे अपनी जो बैकग्राउंड है ना सारी की सारी, जो मेरे रिलेशंस हैं पर्संस के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, कुछ देर के लिए मुझे सब भूल जाने हैं। आपको नहीं पता आपकी जॉब है कि नहीं है, आपको नहीं पता आप मेल हो कि फीमेल हो, आपको नहीं पता आपकी फैमिली कौन है, आपको नहीं पता आप कहाँ रहते हो, आपको नहीं पता आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो, आप पॉजिटिविस्ट हो, नेगेटिविस्ट हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, ड्रग एडिक्ट हो, बुद्धा हो, सब चीज़ों को लिए भूल जाइए कुछ देर के लिए। क्या करना है आपको? आपको अपना नेशनलिटी भूल जानी है, कास्ट रीजन भूल जाना है, जेंडर भूल जाना है, प्रोफेशन भूल जाना है, मतलब जो भी आइडेंटिटी गिवन है, जो भी इंस्टीट्यूशंस ने आपको चीज़ें दी है ना, सोसाइटी ने जो दी है आपको, कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाइए, सब रिलेशंस। बट जर्नल्स क्या कहते हैं, ये सब भूलने के बाद उसी सेम टाइम पे आपको बहुत अच्छा नॉलेज है पॉलिटिक्स का और इकोनॉमिक्स का, कि पॉलिटिक्स गवर्नेंस कैसे फंक्शन करती है और इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, और जो बेसिक रूल्स हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के, सोसाइटी कैसे अरेंज की जाती है, इंस्टीट्यूशंस कैसे अरेंज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस फंक्शन कैसे करते हैं, और जो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक इंसान किस तरह से सोचता है, किस तरह से डिसीजन लेता है, तो इसका आपको अच्छा नॉलेज चाहिए। थॉट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, पहले वो बोल रहे हैं कि आपको सब चीज़ें भूल जानी है, आपको अपना जेंडर भूल जाना, अपना रिलीजन भूल जाना, अपनी कास्ट भूल जानी है, आपको अपना कलर भूल जाना है, अपना प्रोफेशन भूल जाना है ना, सब चीज़ें भूलने के बाद तो भी आपको बड़ा अच्छा पॉलिटिक्स का नॉलेज है, बड़ा अच्छा इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, सोशल इंस्टीट्यूशंस का बड़ा ज़्यादा डीप नॉलेज है, और ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज है। ये जो सिचुएशन बनेगी कि एक इंसान को उसका अपना जेंडर नहीं पता, अपना रिलीजन नहीं पता, अपनी कास्ट नहीं पता है ना, अपना करियर नहीं पता, अपना प्रोफेशन नहीं पता है, बट उसको बड़ा अच्छा बेसिक नॉलेज है पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का, सोशल इंस्टीट्यूशंस का, ह्यूमन साइकोलॉजी का। इस स्टेट को रॉल क्या बोल रहा है, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है इसको क्या रॉल्स बोल रहा है, द ओरिजिनल पोजिशन। ये स्टेट ऑफ इग्नोरेंस है जहाँ पे हमने क्या किया है, जो मेरी ट्रू आइडेंटिटी है मैंने उसको हाइड कर दिया है इन द बिल ऑफ इग्नोरेंस, इन द बिल ऑफ इग्नोरेंस। और ऑल्स कॉल दिस सिचुएशन ऑफ इग्नोरेंस अबाउट योर ओन प्लेस इन द सोसाइटी द ओरिजिनल पोजिशंस। तो मतलब जब एक इंसान इस पोजिशन में पहुंच जाएगा उसे क्या बोला जाएगा, ओरिजिनल पोजिशन में। तो मतलब रॉल्स के अकॉर्डिंग हम अभी इस वक्त ओरिजिनल पोजिशन में नहीं हैं, जो भी हमारे लॉ मेकर्स हैं, रूल मेकर्स हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर रूल बनाता है तो वो क्या करता है, डॉक्टर को सेंटर में रख के बनाता है, नॉट कि पेशेंट्स को। अगर मेल मेंबर रूल बनाता है तो वो मेल मेंबर को रूल सेंटर में रख के रूल बनाता है, नॉट कि फीमेल्स को। तो मतलब हर कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, हर कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। अगर इंडियन रूल बनाता है तो वो अदर कंट्रीज के अगेंस्ट होगा, अगर हिंदू रूल बनाता है तो वो अदर कास्ट रिलीजन के खिलाफ होगा, अगर मुस्लिम रूल बनाता है तो वो अदर रिलीजन के खिलाफ होगा, अगर ब्राह्मण रूल बनाता है तो वो अदर, तो इस ये चलता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी। बेशक मतलब ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा, लेकिन थोड़ा सा रहता ही है ये फैक्टर्स, आप इसको बिल्कुल रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए वो रॉल्स क्या कर रहा है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि सब चीज़ें रिमूव कर दो, सब चीज़ें कुछ देर के लिए भूल जाओ, अपना रिलीजन भूल जाओ, कॉस्ट भूल जाओ, कलर भूल जाओ, प्रोफेशन भूल जाओ, सब चीज़ें दो मिनट के लिए भूल जाओ। अब जिस जब आपको कुछ भी याद नहीं है, बट आपको बड़ा अच्छा पॉलिटिक्स का नॉलेज है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, सोशल इंस्टीट्यूशंस का नॉलेज है, और जो दूसरों का ब्रेन है, दूसरों का माइंड है, उसका बड़ा अच्छा नॉलेज है, ये जो स्टेट है दैट इज स्टेट ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज ओरिजिनल पोजिशंस। सो इस हाइपोथेटिकल जो स्टेट है, जो ओरिजिनल पोजिशंस, अब अगर किसी को बोला जाए रूल बना, नॉर्म्स बना, वो कैसे रूल बनाएगा? अब बेसिकली हमने किया क्या, इंसान जब ओरिजिनल पोजिशन में पहुंचता है, वहां पे सारे जो मतलब डिस्टिंक्शंस हैं, रिलीजियस बेस्ड, कलर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, है ना, प्रोफेशन बेस्ड, जेंडर बेस्ड, सब हमने इलेमिनेट कर दिए हैं, सब क्या कर दिए हैं, इलेमिनेट। तो रॉल्स क्या बोल रहे हैं कि अब जो ओरिजिनल पोजीशंस के अंडर जो रूल बनेंगे, जो नॉर्म्स सेट होंगे, जो प्रिंसिपल सेट होंगे, वो जस्ट वन होंगे, वहां पे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन में आपको अपने जेंडर को देख के रूल नहीं बनाएंगे,
आप रिलीजन को देख के रूल नहीं बनाएंगे, आप कास्ट को देख के रूल नहीं बनाएंगे, आप लैंग्वेज को देख के रूल नहीं बनाएंगे, आप नेशन को देख के रूल नहीं बनाएंगे जो पर्सन ओरिजिनल पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि उसको अपना जेंडर पता नहीं, अपनी फैमिली पता नहीं, अपनी स्टेट पता नहीं, अपना रिलीजन पता नहीं, अपनी कास्ट पता नहीं, उसको कुछ भी चीज़ पता नहीं है। अब वो जो रूल बनाएगा वहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो किसी के साथ, रिलीजियस बेस्ड, कल्चर बेस्ड, इकोनॉमिक बेस्ड, है ना, जेंडर बेस्ड, ये पॉसिबल नहीं है। वो जो रूल बनाएगा वो सबके लिए इक्वल होंगे, चाहे वो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कलर के लोग हैं, अलग अलग जेंडर के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, वो सबके लिए क्या होंगे, एकदम इक्वल। बेसिकली जो प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जो इस प्रोसेस में, जो ओरिजिनल पोजीशंस के बाद एमर्ज होंगे, वो कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकते, वो कभी भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो सकते, अगर हम थॉट एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से कंडक्ट करें। हम ओरिजिनल पोजीशन में हमने क्या किया है, जो भी एलिमेंट्स, जो भी फैक्टर्स हमें एक दूसरों से अलग करते हैं वो हमने सब रिमूव कर दिए हैं। हमें रिलीजन दूसरों से अलग करता है, हमें कास्ट अलग करती है, हमें जेंडर अलग करता है, हमें प्रोफेशन अलग करता है, हमने वो सब रिमूव कर दिए। और जो लॉ मेकर है वो जब रूल बना रहा है वो कॉमन मैन के लिए रूल बना रहा है, वो मेल है तो फीमेल के लिए रूल नहीं बना रहा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए रूल नहीं बना रहा, क्लियर। अगर हिंदू है तो मुस्लिम के लिए रूल नहीं बना रहा है, वो एक ह्यूमन बींग है और वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए रूल बना रहा है। तो जब रॉल इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करता है तो रॉल दो प्रिंसिपल्स के साथ सामने आता है, कि दो प्रिंसिपल एमर्ज होते हैं इसके बाद, वन कंसर्न विद लिबर्टी एंड अदर कंसर्न विद जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। दिस प्रिंसिपल एम्बॉडी हिज बेसिक पॉलिटिकल कंक्लूजन विच आर लिबरल एंड इगलिटेरियन, क्लियर। सो बेसिकली जो रॉल्स की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, इट इज बेस्ड ऑन थॉट एक्सपेरिमेंट विच इज नेम्ड एज ओरिजिनल पोजिशंस। और अगर हम ओरिजिनल पोजिशंस को इम्प्लीमेंट करें, इस थॉट एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करें, उसके बाद जो बेसिक प्रिंसिपल्स निकल के सामने आएंगे वो एक तो होगा कि लिबर्टी प्रिंसिपल्स और दूसरा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल को देखते हैं, क्या फर्स्ट प्रिंसिपल्स, द लिबर्टी प्रिंसिपल। So the liberty principle state that each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all. तो मतलब सबके लिए एक जैसी freedom, सबके लिए एक जैसी freedoms. So basically जब आप original positions को फॉलो करते हैं तो आप हमेशा यही चाहेंगे कि जो सोसाइटी में सब इंडिविजुअल्स को एक जैसे राइट मिले, जैसे राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एज एनिवल एंड्स। तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम इंडिया की बात करें तो डोमिनेटिंग रिलीजन क्या है, हिंदुइज्म्स। बाकी माइनॉरिटी रिलीजन्स में आते हैं, जैसे पाकिस्तान की बात करें वहाँ पे डोमिनेटिंग रिलीजन्स क्या है, इस्लाम। तो वहां पे बाकी रिलीजन्स क्या आते हैं, माइनॉरिटीज में। तो वहां पे माइनॉरिटीज को भी इक्वल राइट होगा, राइट टू वोट का, राइट फ्रीडम ऑफ थॉट का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स का। क्या ऐसा एक्चुअल में है? बट रॉल्स ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, जो रॉल्स का जो लिबर्टी प्रिंसिपल है वो इस चीज को सपोर्ट करता है कि सबको एक जैसी आजादी होनी चाहिए। सो बेसिकली रॉल्स का जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि जो लिबर्टी है वो बाय लॉ इंप्लीमेंट होनी चाहिए, बाय लॉ एनफोर्स्ड होनी चाहिए। बोल तो देते हैं हम कि सबको आजादी है, बट बेसिकली वैसी आजादी कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होती है। और रॉल्स चाहते हैं कि जो लिबर्टी है ये एनफोर्स की जाए। रॉल पिक्चर ऑफ ए जस्ट सोसाइटी इज देन वन इन विच ए राइट टू इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल इज अपहेल्ड एंड एनफोर्स्ड बाय लॉ, क्लियर। तो सेकंड पॉइंट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स क्या हुआ कि मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, द फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल एंड द डिफरेंस प्रिंसिपल्स। फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल एंड द डिफरेंस प्रिंसिपल्स। सो रॉल सेकंड प्रिंसिपल वन कंसर्न विद द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स really consist of two principles, the fair equality of opportunity principle and the difference principle. तो पहले हम देखेंगे the fair equality of opportunity principle. So सबको बराबर मौका देना चाहिए, कोई भी जॉब है
कोई भी सोशल एस्पेक्ट है या इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, वहाँ पे सबको क्या होना चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कलर के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एंड इट स्टेट दैट एनी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर ऑफिसर जॉब कैन ओनली एग्जिस्ट इफ दिस ऑफिसर जॉब आर ओपन टू एवरीवन अंडर द कंडीशन ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो भी अगर कोई ऐसा केस आता है इनइक्वालिटी का, तो वो तभी एक्सेप्टेबल होगा अगर सबको बराबर मौका दिया गया था। तो वो मतलब जो जैसे हम बात करते हैं, मतलब दो लोग हैं, एक के पापा प्रोफेसर हैं और एक के पापा ना लेबरर हैं। अब प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बन जाता है और लेबर का बेटा ट्राई करता है बट वो नहीं बन पाया। अब आप इसको केस ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बोल सकते, बट ये है तो इनइक्वालिटी ही है, बट ये एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू रॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों को मौका दिया गया था बनने का, बट जो प्रोफेसर का बेटा है वो मेहनत कर रहा है और जो लेबरर का बेटा है उसने इतनी मेहनत नहीं की जितनी उसने की है। तो मौका दोनों को दिया गया और जॉब किसको मिली? प्रोफेसर के बेटे को ही। जो लेबर का बेटा उसको जॉब नहीं मिली। और अब ये क्या है, क्या केस ऑफ इनइक्वालिटी, बट रॉल्स बोलते हैं ये एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल क्या है, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमें मौका देना है, हमें ये नहीं है कि उसको उधर बिठाना जाकर। अब ये थोड़ी कि लेबर के बेटे को जरूरी प्रोफेसर ही बनाना है, नहीं, अगर वो डिजर्व नहीं करता उसको मत बनाइए, बट मौका सबको मिलना चाहिए। क्लियर? इसलिए जो जितना डिजर्व करता होगा उसको उतना मिल जाएगा। और अगर वहां पे इनइक्वालिटी का केस आता है तो वो एक्सेप्टेबल होगा, आप उसको केस ऑफ इनइक्वालिटी लॉजिकली नहीं बोलेंगे। द सेकंड प्रिंसिपल इज द डिफरेंस प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे डिफरेंस प्रिंसिपल पे जो मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि अगर कोई भी सोशल या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सोसाइटी में है, उसको तभी टॉलरेट किया जाएगा अगर उसका फायदा सबसे ज्यादा किसको हो रहा है, कोई भी जो डिसएडवांटेज मेंबर है सोसाइटी का। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास हमारे इंडिया में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। इससे क्या होता था, जब भी कोई जॉब आती है तो कुछ फिक्स्ड पोस्ट होती हैं जो इनके लिए रिजर्व होती हैं। बट होता क्या था, जो इकोनॉमिकली पुअर हैं बट वो जनरल क्लास में हैं, उनको कोई भी कैटेगरी नहीं मिलती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई कैटेगरी बना दी, ईडब्ल्यूएस, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हुआ क्या, जनरल कैटेगरी के साथ ये क्या है, केस ऑफ इनइक्वालिटी है, बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो इसका फायदा किसको हो रहा है, जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, है ना, वो शायद एससी एसटी ओबीसी बीसी भी पुअर हों बट उनको फायदा हो रहा है। तो इस टाइप की जो इनइक्वालिटी है ये भी एक्सेप्टेबल है, बट इसका ये मतलब होना चाहिए कि जो इनइक्वालिटी है उससे फायदा किसको होना चाहिए, जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया, इंसिस्ट दैट एनी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी शुड बी टॉलरेटेड ऑन कंडीशन दैट दे ब्रिंग द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली मतलब अगर हम रॉल्स का व्यू पॉइंट देखें तो वो काफी लॉजिकल है। वो सिर्फ इमोशनल थ्योरी नहीं दे रहा कि सबको इक्वालिटी दो, नहीं, कि इनइक्वालिटी भी उसको एक्सेप्टेबल है, बट इनइक्वालिटी तभी एक्सेप्टेबल है अगर पहले पॉइंट में जैसे हमने देखा कि सबको बराबर मौका दिया गया बट फायदा किसको हुआ, जो ऑलरेडी रिच था, पुअर को फायदा नहीं हुआ, बट मौका तो बराबर मिला था पुअर को रिच दोनों को। और सेकेंड पॉइंट में हमने क्या देखा कि हमने इनइक्वालिटी की कुछ मेंबर्स के साथ, बट इनइक्वालिटी के केस में हुआ क्या, जो फायदा मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, सबसे जो डिसएडवांटेज मेंबर था सोसाइटी का, सबसे पुअरेस्ट ऑफ पुअर हमने बोला जिसको, उसको फायदा मिल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे भी जस्ट ही माना जाएगा, उसे कभी भी अनजस्ट नहीं बोला जाएगा। क्लियर? सो दीज आर द सेकंड प्रिंसिपल विच इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जिसमें हमने फर्स्ट देखा कि सबको बराबर मौका देना चाहिए, और सेकंड में था डिफरेंस प्रिंसिपल जिसमें क्या है, इनइक्वालिटी के केस एक्सेप्टेबल होंगे बट उसका फायदा जो है वो सबसे डाउन ट्रॉडन को होना चाहिए। ये कंक्लूड करते हैं। सो एट लास्ट इन नटशेल वी आर एबल टू कंक्लूड दैट रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज फोकस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो दैट सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सोसाइटी एंड ओवरकमिंग द डिफरेंस प्रिंसिपल्स, विच इंप्लाइज दैट एनी डिपार्चर फ्रॉम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी गुड्स कैन बी जस्टिफाइड। सो बेसिकली आज हमने क्या देखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स,
जिसमें वो जो शुरुआत हुई हमारी ये थी कि जो फंडामेंटल क्वेश्चन उनका था कि अगर आपको सोसाइटी में आपकी पोजीशन पता नहीं है तो आप किस टाइप की सोसाइटी चूज़ करेंगे। क्लियर? तो इसके लिए वो क्या करते हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे जो मेरी रियलिटीज़ हैं वो मुझसे हाइड कर दी जाती हैं। मेरी जॉब मुझे पता नहीं है, मेरा जेंडर मुझे पता नहीं है, मेरी कास्ट मुझे पता नहीं है, मेरा रिलीजन मुझे पता नहीं है, है ना, मेरी लैंग्वेज मुझे पता नहीं है। और अब मुझे बोला जाएगा रूल बनाओ। अब मैं जो रूल बनाऊंगा वो हमेशा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होंगे। वो जो रूल होंगे, जो नॉर्म्स होंगे, वो कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब मुझे मेरा जेंडर पता है, मेरा रिलीजन पता है, मेरी कास्ट पता है, मेरा लैंग्वेज पता है, तो मैं जब कोई भी रूल बनाता हूँ तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में रहती हैं, मैं उनको सेंटर में रख के रूल बनाता हूँ। बट जब ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी जाएंगी और मुझे रूल बनाने के लिए बोला जाएगा, और वो जो रूल बनेंगे वो हमेशा जस्ट वन होंगे, वो हमेशा सबको एक्सेप्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो जब ये थॉट एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल एमर्ज होकर सामने आते हैं, जिसमें एक था लिबर्टी प्रिंसिपल और एक था इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफेंस प्रिंसिपल्स। क्लियर? सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट जस्टिस अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।